बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने फंक्शंस की जानकारी ली, जिसमें हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाना सीखा था। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इनबिल्ट फंक्शंस की। पीएचपी के पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, 1000 से भी ज्यादा, और काफी नए फंक्शंस डे टू डे ऐड होते रहते हैं। अब पीएचपी में काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस तो अवेलेबल हैं, आप उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो फंक्शंस हैं कैटेगराइज भी अवेलेबल हैं, जैसे न्यूमेरिक फंक्शंस आपके पास उपलब्ध हैं या स्ट्रिंग फंक्शंस उपलब्ध हैं, आप अकॉर्डिंग टू टास्क इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम इस सेशन में एग्जांपल लेने वाले हैं। इनबिल्ट फंक्शंस में हम एग्जांपल लेने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में। हालांकि न्यूमेरिक फंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन हमने केवल ये फंक्शन किस प्रकार प्रयोग किए जा सकते हैं उसकी जानकारी देने के लिए 5 इस्तेमाल किए हैं। इन 5 फंक्शंस को प्रयोग करने से आपको ये जानकारी हो जाएगी कि पहले से बने हुए फंक्शंस को आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 फंक्शंस हैं। सबसे यहाँ मेरे पास प्रैक्टिकल फाइल उपलब्ध है, जिसमें यदि आप देखें लेफ्ट साइड पे मेरे पास यहाँ पे नीचे की तरफ मेरे पास ब्राउजर ओपन है, जिसमें काफी सारे प्रोग्राम की लिस्ट है, और नीचे की तरफ मेरे पास सी ड्राइव में एग्जाम फोल्डर में एसटी डॉक्स, जहां मैंने अपने प्रोग्राम रखने हैं, वहां पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है पीएचपी एक्सरसाइज। मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी, अगर आपको यह फोल्डर प्राप्त करना है तो आप अपनी पेन ड्राइव या डीवीडी, जिसमें आपके पास यह मटेरियल प्राप्त हुआ है, उसमें से ले सकते हैं। और अगर आपके पास यह मटेरियल किसी कारण से नहीं प्राप्त हो पाया तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम न्यूमेरिक जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज वाला, उसको कैसे कर सकते हैं। न्यूमेरिक एग्जाम्पल यहाँ पे उपलब्ध है, मैं डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। अपने काम को आसान करने के लिए मैंने लेफ्ट साइड पे ब्राउजर ओपन कर लिया है और राइट हैंड साइड पे मैंने नोटपैड की जो फाइल है नोटपैड प्लस प्लस में numericx.php फाइल को ओपन कर लिया है। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो सबसे पहले हम पावर की बात करेंगे। ये अगर मैं इसे एंटर कर दूं ताकि हम केवल एक एक सेगमेंट पे ध्यान दे पाएं, तो सबसे पहले मैंने एक n वेरिएबल लिया है जिसमें 0 साइन कर दिया है, उसके पश्चात एक आउटपुट दिया है जो स्क्रीन पे दिखाई देगा। आउटपुट लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट की है सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। उसके पश्चात पावर फंक्शन मैंने प्रयोग किया है, जिसमें नंबर 4 है जिसको मैं पावर लगाना चाहता हूँ, और जो पावर लगानी है वह 2 है। तो पहले आर्ग्यूमेंट में आपको देना होता है वो नंबर जिस पे पावर लगानी है, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपको वो नंबर देना होता है जितनी पावर आपको लगानी है। और जो आउटपुट आएगा इस पावर फंक्शन के द्वारा, जो रिटर्न वैल्यू आएगी इस पावर फंक्शन के द्वारा, उसे n में स्टोर कर दिया जाएगा। और फाइनली मैंने उस n को प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे जाकर मैं इन फंक्शंस को चलाना चाहता हूँ, तो मेरे पास न्यूमेरिक एक्स एग्जाम्पल डॉट पी एच पी है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले यदि आप देखें तो ये मेरे पास पहली लाइन है, और यहाँ पे ये पावर का एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है जिसमें 16 आउटपुट है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे 64 हो गया है। तो आप जो पावर देंगे और जो नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। इसके पश्चात मेरे पास अगला जो एग्जाम्पल है वह लॉग की वैल्यू से रिलेटेड है। लॉग में मैंने एक नंबर दिया है, फिर उसका एक बेस दिया है, तो मुझे इस नंबर का इस बेस के हिसाब से लॉग वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास बेस 10 है, तो जो वैल्यू बैठती है वो यहाँ पे आपके पास 3 दिखाई गई है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं लॉग वैल्यू को देखने के लिए। इसमें भी मैंने एक वेरिएबल लिया था जिसमें ये वैल्यू को स्टोर कर लिया है, जो रिटर्न वैल्यू आपको लॉग फंक्शन के द्वारा दी जाएगी। फिर से रैंडम फंक्शन हमारे पास उपलब्ध है। रैंडम फंक्शन से हम रेंज दे सकते हैं, जैसे मैंने एक नंबर दिया और फिर 10 नंबर दिया, तो 1 से लेकर 10 नंबर के बीच में बार बार अलग अलग बार हमारे पास नंबर जनरेट होगा, और उस नंबर को मैंने n में स्टोर करवा के प्रिंट करवा दिया है, और हमारे पास रैंडम नंबर यहाँ दिया गया है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ बार बार, तो आप देखेंगे हर बार आपके पास एक अलग नंबर रिप्रेजेंट होता है जितनी बार भी रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि नंबर रैंडमली जनरेट होता है फंक्शन के द्वारा। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास जो फंक्शन है वो इज न्यूमेरिक है। इज न्यूमेरिक का काम रहता है ये चेक करना कि क्या जो इनपुट दिया गया है
या जो आर्गुमेंट दिया गया है इस फंक्शन के बीच में वह न्यूमेरिक है या नहीं ये चेक किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने किया ये है कि इस न्यूमेरिक को मैंने यहाँ इफ के साथ कंडीशन बॉक्स में डाल दिया है। मैं आपको बता दूं इस न्यूमेरिक हमें वापस करने वाला है ट्रू या फॉल्स। तो अगर यह ट्रू वापस करता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हमारे पास जानकारी दे दी जाएगी यह एक नंबर है, और अगर यह फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा तो उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और जानकारी दे दी जाएगी यह नंबर नहीं है। तो आप देखें तो यहाँ पे जानकारी है इट्स अ नंबर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एन में कोई और वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ एन को, जैसे मैंने स्मार्टो असाइन कर दिया है एन को, और अब अगर इसे रिफ्रेश करूँ सेव करके यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट है इट्स नॉट अ नंबर, क्योंकि अब यह नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को फिर से कमेंट कर दूँ, क्योंकि पहले से एक नंबर स्टोर है पिछले एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, तो अब की बार वो बता देगा कि यह नंबर है इसमें। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास लास्ट में राउंड का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास एक डी नंबर दिया गया है, डी वेरिएबल जिसमें हमारे पास एक डी वेरिएबल दिया गया है, उस डी वेरिएबल को पास किया है मैंने राउंड फंक्शन में, और उसने हमें एक आउटपुट वापस किया है जो हमने एन में स्टोर कर लिया और फाइनली एन को प्रिंट कर दिया है। अगर आप आउटपुट देखें तो यहाँ 10 है, क्योंकि जो नियरेस्ट वैल्यूज़ हैं उसमें उसने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप आसानी से राउंड का प्रयोग करके एक कंप्लीट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शंस का प्रयोग है। पीएचपी में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, आप नेट पर जाकर गूगल में प्रयोग करते हुए बहुत सारे फंक्शंस को प्रयोग में ला सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस सेशन में हमने न्यूमेरिक फंक्शन की जानकारी ली है, अगले सेशन में हम स्ट्रिंग फंक्शन की जानकारी लेंगे जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, और देखेंगे किस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।